So, how are we going about it? We just So we start with the bites. Whatever. Are we starting with any questions and answers or something? Or yeah, should we do that? Okay. Chalo, chal. Chalo. एक सेकंड मेरा पील हो रहा है बिकॉज टैन के वजह से यूएस के वजह से माय स्किन दिख रहा है बहुत ज़्यादा नहीं अभी नहीं दिख रहा बाल है ना हम ये आप ये साइड पे आ सकते हैं हाँ ये प्रोफाइल पे थोड़ा सा इधर ले लो माइक चेक हाँ ओके बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू एक बहुत ही अच्छा शानदार फोटो शूट चल रहा है जी वी जस्ट वांट टू नो किस तरह का ये फोटो शूट होगा और किस पर्पस से जी सो एज अ मॉडल यू नो आई ऑलवेज कीप डूइंग फोटो शूट्स एवरी 6 months हर 6 महीने में हम अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करते हैं बिकॉज आप यू आर चेंजिंग एवरी 6 months आपके लुक्स बदल रहे हैं आपकी पर्सनालिटी बदल रही है सो देयर इज अ न्यू यू सो इट्स अ नॉर्म हर 6 महीने में हम पोर्टफोलियो अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ शूट करते हैं सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फोटो शूट एंड आई हैव बीन वेरी लकी दैट मुझे मौका मिला है दुनिया के बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का राइट फ्रॉम अतुल टू दबू टू रफीक सैयद टू प्रसाद नायक to Suresh Natarajan to so many so I'm very very I feel I'm very fortunate to have an opportunity like this uske baad IIFA ke bare mein ye kehna chahungi ki it was an amazing experience to host IIFA the green carpet and I met so many of our fraternity people there and it was such a successful event खास करके जो सारे वहाँ के locals थे वो कितने excited थे कि Bollywood का कोई इतना amazing event वहाँ पे हो रहा है so लोग दूर दूर से travel करके वो event actually 6 घंटे लंबे खींच गया तो सारे लोग and you know 1 घंटा travel करके 6 घंटे show में बैठकर 1 घंटा वापस आना सो 8 घंटे का वो जो पूरा ये था लोगों ने इतने हंसी खुशी और प्यार के साथ उस इवेंट को विटनेस किया दैट इट वाज समथिंग टू सी यू नो सो या इट वाज अमेजिंग टू बी एसोसिएटेड विद IIFA IIFA का जो ये फेस्टिवल था जी ये एंथुसियाज्म की वजह से अपने आप पॉपुलर तो हुआ ही लेकिन एक एक्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ नेपोटिज्म रॉक्स इस पर आप क्या कहेंगे यू आर अ सेल्फ मेड पर्सोना सो व्हाट डू यू लाइक टू share something about this issue क्योंकि ये issue कंगना ने बहुत issue उठाया है आप भी Bollywood fraternity जी जी so what would you like to say about nepotism Bollywood you know I personally feel nepotism सिर्फ Bollywood में नहीं हर जगह है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हैं जहाँ पे रेफरेंस के थ्रू रिकमेंडेशन के थ्रू या शायद फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट आई डू अग्री कि अगर आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं तो आपके लिए डोर्स ज़्यादा खुले रहते हैं थोड़ा आसान होता है आपके लिए थोड़ा नहीं काफ़ी आसान होता है एटलीस्ट वो फर्स्ट ब्रेक मिलना उसके बाद चलना ना चलना और सक्सेस मिलना ना मिलना इज़ अनदर बॉल गेम बट वो पहली चीज़ को क्रैक करना डेफिनेटली ईजी हो जाता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली आई थिंक आई वुडंट डिनाई दैट बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में जो बिना किसी बैकिंग के खड़े हुए हैं जैसे कि शाहरुख खान सबसे बड़े एग्जांपल हैं कंगना खुद बहुत बड़ी एग्जांपल है कि शी इज़ मेड इट ऑन हर ओन यू नो ऑफ कोर्स देयर वुड बी पीपल ऑलवेज टू पुश यू फर्दर टू हेल्प यू टू गाइड यू बट प्रीटी मच सो आई वुड बिलीव कि ये भी है और वो भी है तो नेपोटिज्म भी है बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं विच ऑल्सो प्रूव्स कि अगर आपका नसीब बुलंद हो और आप में टैलेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता ओके इस तरह इतने बड़े स्टेज पे इस तरह से नेपोटिज्म को लेके मजाक उड़ाना फिर बाद में उस बात का एहसास करना फिर उसकी माफ़ी मांगना हाउ जस्टिफाई यू थिंक यू नो नेपोटिज्म कि यू नो फर्स्ट दे से यू नो नेपोटिज्म रॉक्स देन दे कम ऑन ट्विटर You know, they say ki this is sorry, apologetic and we are sorry for it.
do you think it's justified, you know, ek baar aap jaate hain, aap kisi ka mazak udate hain, the people from, or the female from your industry, phir aapko realize hai ki humne galti kar di, phir aap usko theek karte hain. How justified it is? I don't know, maybe at the moment, unse wo, like they said, ki mazak ho gaya. But, you know, in a time like this, जहाँ आपको बहुत careful होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, because social media इतना rampant है, इतना strong है आज के time पे, and these are also very responsible people. मतलब ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो actually बहुत intelligent होंगे. So, I believe मजाक में कह रहे हैं, but I think at a time like this, कोई चीज़ शायद मजाक में नहीं ली जा सकती. I think one has to be so guarded and careful about what you're saying. Because कोई भी चीज़ जाके कब twist हो जाए, you don't know, you know. So I think मुझसे भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ कही है, वो कुछ और चीज़ बनकर इंटरनेट पे आई है, और मैंने खुद जब रीड किया, मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एक्चुअली नहीं बोला. बट आई थिंक इट्स अ टाइम, इट्स द टाइम्स आर सच दैट वी नीड टू बी मे बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर सेइंग. ओके, यू नीड अ पावर. या और भी हम जानते हैं कि आपके और भी लाइनअप से साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं जी. तो लेट अस नो अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. जी, सो आई हैव डन अ साउथ फिल्म कॉल्ड किंग लायर विद द मलयालम सुपरस्टार दिलीप, एंड इट वाज सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. द फिल्म डिड वेरी वेल, फिल्म वाज अ सुपर हिट. एंड उसके बाद अराउंड द सेम टाइम आई हैड साइंड अ फिल्म कॉल्ड बाबा ब्लैक शीप, जिसमें जिसको विश्वास पांड्या ने डायरेक्ट की है. एंड there's Anupam Kher in it, there's Manish Paul, there's Manjari, there's KK Menon, there's Anu Kapoor. So it's a comedy thriller, and it's an ensemble cast, and it should release in a few months, and I'm very excited about that. And I don't know if you all have watched Inside Edge, the web series. I'm a part of that, so it was amazing to shoot that series and to be part of such an amazing show. Produced by such a by Excel, you know, which I feel is makes amazing content. So I'm very thankful that I got these opportunities. Okay, thank you so much, and wish you all the best. Thank you. So sweet of you. Thank you. Actually, I need to order. If you all got any behind notes, so I'll just properly pose, because right now main ye jo aise khadi hu na, to bada order hai. Hi everybody, I'm Shahrukh Khan, and watch me only on facebook.com/businessofcinema.